सो नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल ट्रू ड्रीम्स पे। सो अभी हम लोग हैं वृंदावन में। सो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है अभी। सो 3:30 से 3:30 बजे हमारा ऑटो वाला आएगा जो हमें यहाँ पे घुमाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पहले डेस्टिनेशन है, हम लोग जाएंगे गौशाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गौशाला के लिए अभी हम निकल रहे हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं। सो फटाफट बाहर जाते हैं, वीडियो ऑन करते हैं ना। सो ये जगह एकदम सा ऑपोजिट है वाराणसी के, मतलब वहाँ ज़्यादा भीड़ था, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है नहीं, पूरा खाली खाली सा जगह है। सो ये वाली कैंपस जो है हमारी है, जहाँ जिस होटल पे हम लोग रुक रहे हैं, वो होटल का नाम क्या है हमारा? राधा कृष्णा धाम, ठीक है। काफ़ी बढ़िया बड़ा सा गार्डन है, सो अच्छा है मतलब। और पास में है इस्कॉन का गौशाला, तो पहले हम लोग विज़िट करने वाले हैं इस्कॉन के गौशाला पे, उसके बाद वहाँ से आएंगे इस्कॉन टेम्पल और एक ऑटो हायर किए हैं जो हम लोग को यहाँ के प्राइमरी डेस्टिनेशन पे घुमाएगा। मिलते हैं। दिस इज गौशालाज गेट। इस गेट से हम लोग अंदर आते ही कुछ ऐसा व्यू है जहाँ पे गाय खुद ही आ जा रही है आदर लेने के लिए। अंदर और भी बड़ा जगह है, सो हम लोग वहाँ भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे गाय यहाँ पे हैं। কিছু করবে না রে আলি বাবলি আলি বাবলি বহুত সুন্দর সো यहां पे एक और शेल्टर है जहाँ पे गाय को रखा गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे तो ये है ही, एक स्तंभ लगाया गया है जहाँ पे ये अपने सर को खुजलाते हैं। ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है कि कहीं और मुंडी घस के घाव ना कर ले, तो ये काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे। सो पीछे भी एक बड़ा जगह है जहाँ पे गाय रखा जाता है, तो यहाँ पे वैसे इनका कुछ क्या बोलते हैं, इनसे ज़्यादा क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे ढेर सारी गाय है जिनको एक जगह रखा गया। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ताकि ये लोग भी बचे रहें सारे खतरे से, क्योंकि बाहर अगर होंगे तो इनके लिए थोड़ा खतरा भी रहता है कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह ये वो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए अलग अलग शेल्टर किया गया है। पीछे भी एक दो है, वहाँ पर कुछ घर है, फिर यहाँ पर एक दो, तो बहुत सारे गाय हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है, हर जगह ऐसा होना चाहिए। तो फिलहाल ये तो है इस्कॉन का गौशाला। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मंदिर की तरफ, तो पता नहीं मंदिर कितने बजे खुलती है, तो फर्स्ट वो देख लेते हैं। ये बात तो है कि वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वाइब अलग है बॉस, एकदम अलग वाइब है, मतलब हर जगह उनका पेंटिंग्स, उनका नाम, ऐसा शायद कोई गली नहीं है, कोई दीवार नहीं है जहाँ पे राधा कृष्ण जी का नाम ना लिखा हो। मतलब जैसे वाराणसी में भगवान के फोटोज हर जगह बने, यहाँ पे फोटोज के साथ साथ नाम हर जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हर एक कण कण में ना कुछ ना कुछ हुआ तो है ही। तो ये वो मंदिर है, लोग ये उनका मंदिर है जिन्हें लोग पागल बाबा कहते थे, क्योंकि वो राधा कृष्ण की भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि लोग उन्हें पागल करार तक दे दी। तो कहानी तो मुझे पता बाद में चलेगा, फिलहाल मैं इसका दर्शन करता हूँ। बराबर इस मंदिर का दर्शन करने के लिए टिकट आपको काटना पड़ेगा, 10-10 रुपये का टिकट है। यहाँ पे आते ही मोशन स्टैचूज है, रामलीला दर्शन। हम वनवास, ये वनवास जीवन उनका, रावण ने सीता माता का अपहरण किया, गरुड़ को मारा, गरुड़ से राम लक्ष्मण को इन्फॉर्मेशन मिली कि उसे रावण ने लेके गए। यहाँ मुलाकात होता है हनुमान जी से, वहाँ पे लेटे हुए हैं सुग्रीव। यहाँ पे राम वनवास के टाइम में किसी के घर पे खाना खाते हुए,
अशोक वाटिका में व्याकुल माता सीता के भगवान श्री राम का संदेश देते हुए राम भक्त हनुमान जी, मतलब जहाँ पे माता सीता को रखा गया था वहाँ पे हनुमान जी आए थे उनसे मिलने के लिए राम का संदेश लेके। उसके बाद यहाँ पे रावण का वध किया है भगवान श्री राम ने, फिर वनवास के बाद राम सीता वापस पधारे और लास्ट राम भगवान जी के दोनों पुत्र लव और कुश की शिक्षा प्राप्त करते हुए महर्षि वाल्मीकि आश्रम में। सो काफ़ी बढ़िया एक संदेश है, आई मीन अच्छा अच्छे स्टोरीज वहाँ पे लिखे, वहाँ पे रामलीला स्टोरी, वहाँ पे हनुमान जी का जय श्री राम वो शादी पार वगैरह, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे स्टैचू से, यहाँ पे और एक स्टोरी है शायद ये भी देख लेते हैं। ये स्टोरी मुझे मालूम नहीं बट नौ मंजिल मुख्य मंदिर दर्शन ये वाली जहाँ हम लोग आए हैं, छोटे कुछ स्टैचूज हैं चारों तरफ सारे भगवान के। जय श्री राधे राधे। तो इस अंदर में टिकट काउंटर है, अब हम लोग को जाना है ऊपर के तरफ, चलिए फटाफट। श्री राधे गोविंद मंदिर, तो अभी तो ये पूरा बन ही रहा है, मतलब न्यू है, सो अब इसको ऊपर जाने का व्यवस्था ढूंढते हैं। यहाँ से ये है श्री कृष्ण बलराम मंदिर, ये है बलराम जो कि कृष्ण अवतार के टाइम उनके बड़े भाई का अवतार में थे, एक्चुअली बलराम ही शेषनाग। ये है एंटायर वृंदावन की छवि इतने ऊपर से इस मंदिर के, कमाल है नहीं। सो फाइनली हमारा ये जो मंदिर है ये मंदिर दर्शन हो गया, सो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो आज रात 9 बजे तक घूमना है हमें, कोशिश करूँगा वृंदावन के हर एक जगह पे हमें घूमने का। सो एक ऑटो, एक जो गाइड भैया हैं जो टोटो चलाते हैं तो वही आज हम लोग को घुमा रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये मंदिर का ही नाम था श्री पागल बाबा मंदिर, अब चलते हैं आगे देखते हैं कौन सा डेस्टिनेशन है। हम लोग काफी एक्साइटेड हैं भैया, हम लोग को कहाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ वृंदावन में डेस्टिनेशन पर आए हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कांच के मंदिर, शीशा मंदिर। चलिए पहले शू खोल देते हैं। तो अभी हमारा हाल कुछ ऐसा है कि रंग गए हम राधे राधे के नाम से, सेम ये भी तो ये वो सीन है जहाँ पे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। सो गोवर्धन पर्वत हम लोग कल देखने जाएंगे। तो यहाँ पे बाकी लोग ने बांस के सहारे, लोग सोच रहे थे कि वो उठाए थे बट एक्चुअली वो नहीं, वो कृष्ण जी थे जो इस पर्वत को ऊपर उठाए हुए। एंड यहाँ पे है ये मंदिर शीशा मंदिर, ये है इम्प्रेशन शीशा मंदिर की। फिलहाल तो इसके चकाचौंध आप देखिए, वाओ। यहाँ फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है तो मैं कैमरा भी ऑफ कर रहा हूँ, आपको फिलहाल इतना दिखा दिया, अब बाहर जाके कैमरा ऑन करता हूँ। सो अभी शीश मंदिर भी हो गया हमारा, अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है राजा पान सिंह तोमर जो जयपुर के राजा थे, ये उनका किला है। सो कहते हैं इस किले को बनने में 40 साल लगे, 40 साल लगे इस किले को बनाने में, सोच सकते हैं आप। ब्यूटीफुल। चलो तो ये वो किला का पूरा अंदरी इलाका है, यहाँ पे लोगों के घर भी हैं, यहाँ पे लोग बैठ के कुछ तो पढ़ रहे हैं, अंदर बगीचा है, किला है, काफी भव्य सुंदर है ये। 40 साल लगा इस किले को बनाने में। सो अंदर कुछ इस तरह का व्यू है, एक्चुअली मैं देखने में ज्यादा मगन हो गया हूँ इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। वेरी ब्यूटीफुल। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे,
बहुत ही ज्यादा सुंदर। सो ये महल भी देखना हो गया, अब चलते हैं चौथे डेस्टिनेशन की ओर। कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा। अच्छा था ना, तुम्हारे जितना सुंदर है। इसको अपने तारीफ हजम नहीं होता, भगवान का समय बता रहा हूँ। तो ये राजबाड़ी भी हुआ। चलो भैया, अब हम लोग कहाँ जा रहे भैया? अब हम लोग गोविंद देव। गोविंद देव, ओके। उसको बनाए थे तो बहुत सुंदर देखने में होगा। देखना तो सही पहले। चलो चलो चलो, अभी हम लोग जा रहे गोविंद देव मंदिर, जिसको बनाया है स्वयं विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान ने समझ लीजिए माना था स्वर्ग लोक के बाद सबसे ज्यादा सुंदर बना था द्वारका, जो की विश्वकर्मा भगवान ने खुद बनाया था। अब ये भी जब उन्होंने बनाया तो काफी भव्य सुंदर हो गए। श्री गोविंद देव टेम्पल कहते हैं उस टाइम पे, ये टेम्पल जो है स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने अपने हाथों से बनवाया है। इसका स्ट्रक्चर आप खुद ही देख रहे हैं, ये तो अबंडन हो पड़ा है लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत है। अगर ये मेंटेन्ड होता बहुत खूबसूरत होता। अति सुंदर जगह। इस टेम्पल का नाम पहले मैं खुद जान लूँ फिर मैं बताता हूँ। पूरा साउथ इंडियन स्टाइल का एक मंदिर है। वो मंदिर के बाद हम लोग सीधा यहाँ आ चुके हैं। अभी पता नहीं यहाँ पे वीडियोग्राफी बैन है कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट। आपको म्यूजिक सुनाई दे रही होगी, पूरा साउथ का म्यूजिक है ये। विष्णु फटाफट अंदर चलते हैं। वाह, काफी स्ट्रॉन्ग वाइब्स है अंदर। मैं आपको यहाँ का शो राउंड देना चाहूंगा उसके। सो काफी बड़ा इलाके में ये मंदिर बना गया है, और सुनने में आया कि जो प्रेम मंदिर है वो इससे भी बड़ा जगह पे बनाया हुआ है। सो कोशिश करेंगे आज ही प्रेम मंदिर कवर करने का, तो इस इलाके के दो तीन मंदिर हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि प्रेम मंदिर जाना है। हर गली पे मंदिर है, हर गली पे, और हर जगह राधे 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 राधे, मतलब क्या ही बोलूं, हर जगह एवरीवेयर। रंगनाथ जी मंदिर करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। तो अभी गोपेश्वर लोकेशन है जहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, तो बस इतना सही फुटेज में ले पाया, बट हाँ मैं कुछ फोटोज लिया हूँ। ये गोपेश्वर टेम्पल का एंट्रेंस है, उसके अंदर पे ये स्टैचू है कृष्ण भगवान का एक फीमेल रूप पे। एंट्री है निधि वन के लिए। ये है निधि वन का गेट। पता नहीं अंदर मोबाइल निकालने का सुजोग मिले गया नहीं, बट देखते हैं, फिलहाल पॉकेट में फ़ोन रख के चलते हैं अंदर। सो आपको मैं बता दूं, ये जो फॉरेस्ट है ना, ये गुरु हरिदास जी के द्वारा इस्टेब्लिश की हुई है 15th century में। उनको एक सपना आया था कृष्ण जी द्वारा कि वो ऐसी जगह एक बनाए, तो उन्होंने ये बनाया। ये जो फॉरेस्ट है, सारे जोड़े पेड़ में सारे कृष्ण की गोपियाँ हैं। शाम 7 बजे के बाद ये गोपी फॉर्म में आते हैं, यहाँ पर रासलीला होता है। 7 बजे यहाँ पे मंदिर बंद होने के बाद ना, सारे पक्षी जानवर भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके रासलीला पे कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ माना नहीं जाता है, और हमें करना भी नहीं चाहिए। ये वो मंदिर है जिसे हम रंग महल कहते हैं, जहाँ पे राधा कृष्ण जी के लिए ये चांदी का बेड सजाया जाता है। इस तरह से यहाँ पे खाने पीने का सारा इंतजाम करके रख दिया जाता है, एंड ये 7 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद ये बाद वाला दिन जब खुलता है ना, तो वो कुछ इस तरह होता है। आप मानो या ना मानो, ये पूरा एक मैजिक है बॉस, भक्ति भी। हम हैं अभी निधि वन में, चारों तरफ बंदर का आतंक है। ये देखो, सो इस वन में जितने भी तुलसी गाछ है, जो भी जंगल के पौधे हैं, सारे के सारे जोड़े में, आपको दिख रहा होगा, सब जोड़े में, एक भी सिंगल पेड़ नहीं है, सारे के सारे जोड़े हैं। सो ये उस टाइम से ये जो रिजर्व किया हुआ, जो थोड़ा भी निधि वन का जो हिस्सा है, इसको रिजर्व करके रखा गया है, और यहाँ की मिट्टी कलर भी जो है वो अलग है।
ज्यादा देर फोन कर नहीं पाऊंगा, बंदरों का बहुत आतंक है भाई सच में। ये देखो मिट्टी का कलर, सारे के सारे पेड़ जो है वो जोड़े में है, एक भी सिंगल पेड़ नहीं है। ये देखो कुछ कुछ गाछ अंदर तक भी आई है, तो ये सारे जोड़े में है, ये भी जोड़े में है। सो कहते हैं यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर 16,800 पेड़ पौधे हैं, मतलब कृष्णा की 16,800 गोपियां थी। सो रात को अभी जिस रूम हम लोग देख के हैं ना, वहाँ पे अभी सामान उजा हुआ सामान हरा दिया जाएगा, नया सामान बिठाएगा विथ लड्डू पान दातुन वगैरह। कल सुबह जब वो खुलेगा ना, सारे बिखरे पड़े रहते सब यूज होते हैं, एंड हमने भी सेवन के लिए कुछ चढ़ाया। सो मैजिकल है यहाँ पे, आसपास में जितने घर है सबके विंडोज जो है सील्ड है, मतलब बंद है, वो लोग खुद यहाँ नहीं देखते हैं। कहते उन्हें रात भर यहाँ पे घुंघरू की आवाज़ भी आती है। सो माना ना मानो भाई, कृष्ण नगरी उनकी गोपियाँ हैं, 16,800 उनके 16,800 गोपियाँ, और यहाँ पे 16,800 पौधे वो भी जोड़े में, मजेदार। चलिए अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, ये बहुत खुश है, ये सच में बहुत खुश है। देखो साइड में गोपियाँ पेड़ पौधे श्री राधे कृष्णा, एंड यहाँ कृष्ण रंग में रंगे हुए लोग, बहुत ही आनंद आता है। ये है इमली तालाब मंदिर, जहाँ पे चैतन्य प्रभु खुद स्वयं यहाँ पे आए थे। ये 5,500 साल पुराना मंदिर, यहाँ से आप देख सकते हो। चलिए फटाफट देखते हैं। सब फाइनली हम लोग अभी हैं इस्कॉन वृंदावन, कमाल खूबसूरती। So guys, ये है फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ इस्कॉन टेम्पल, अंदर की प्रतिमा कुछ इस तरह से। यहाँ के लोग पूरे भक्ति आनंद में बिजी है, सब डांस करने में बिजी है इस भक्ति में। और सिर्फ हम भारतीय लोग नहीं, बल्कि दूर दूर से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं हमारे भक्ति में रंगने के लिए। जय श्री राधे। जा रहे हैं प्रेम मंदिर के तरफ, जो कि इस्कॉन से बिल्कुल पास में ही है। सो हम लोग एक ही बार खाली पैर ही चले जा रहे हैं, बस प्रेम मंदिर आ गया ना, बस अब सामने पहुंचने ही वाले हम लोग, पता नहीं किस साइड है, सीधा ही होगा। ये हम लोग पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर, ये है इसका प्रवेश द्वार। Let's do it, अंदर की तरफ चलते हैं। हाँ पे चेकिंग गेट लेडीज जेंट्स। सो ये है वो प्रेम मंदिर, बहुत ही कमाल का दृश्य है यार। आस पास में बहुत कुछ है देखने, तो चलिए कोई एक साइड से हम लोग शुरुआत करते हैं। भैया ये जो है कृष्णा उस नाग के ऊपर नाच रहा है, और नाग जो है हिल रहा है बीच बीच भाई, हिल ले। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ये जो प्रेम मंदिर है ये बार बार अपना कलर बदल रहा है। यहाँ पे एक यूनिक सा चीज़ देखो, पानी पानी का जो डांस हो रहा है ना, प्रोजेक्शन वो पानी में हो रहा है। आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर। ये जो पानी का फुहारा है, जो फाउंटेन है, दिस इज यूज्ड एज अ प्रोजेक्टर। ये जो प्रेम मंदिर है ना, इसके डिफरेंट कलर्स को मैंने इस वीडियो के लास्ट में रखा, तो प्लीज देखना। वी आर एट प्रेम मंदिर है ना, ये बहुत खुश है। वेरी नाइस ब्यूटीफुल। पे और एक मॉडल रखी हुई है गोवर्धन पर्वत की,
एंड हम लोग ठीक इसके सामने, सो ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारा आज के दिन ऑलमोस्ट समाप्त होने का है, पीछे प्रेम मंदिर। आज के दिन का शेष बहुत ही अच्छा लगा। कल हम लोग थोड़ा दूर दूर लोकेशन जाएंगे, इसलिए डे वन वृंदावन आज मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है। एंड प्रेम मंदिर के सामने हूँ, सो क्या ही बोलूँ, ये वाइब्स कुछ अलग है। तो फिर भी जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड हो सके तो बेल आइकन भी दबा दें, शेयर करें, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट पर बताएं कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय बोल बाय बाय मेरी राधे।